नंबर सीरीज में आज हम एक नया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ ये रेस्पॉन्स कौन सी ऑर्डर में है और ये नंबर सीरीज के लिए कौन सा ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं नंबर सीरीज में जो क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में। देखिए नंबर सीरीज में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव 110, 132, 156 मिसिंग नंबर या फिर क्वेश्चन मार्क 210। यानी कि ये जो अल्टरनेटिव दिया गया है वहां से हम ये जो मिसिंग नंबर जो क्वेश्चन मार्क के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है उसे फाइंड करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो अल्टरनेटिव दिया गया है उसे लिख देते हैं। जो अल्टरनेटिव है वो है 110, 132, 156 क्वेश्चन मार्क 210। तो इस रेस्पॉन्स में हमें ये आइडेंटिफाई करना है ये अल्टरनेटिव सब कौन सी ऑर्डर में है। देखिए 110 के बाद 132 है, उसके बाद 156, उसके बाद 210। यानी कि जो रेस्पॉन्स है या फिर जो अल्टरनेटिव दिया गया है वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अभी हम जानेंगे ये जो पहला नंबर है 110 और 132 उसमें क्या डिफरेंस है, किस डिफरेंस के माध्यम से या फिर कौन सी ट्रिक्स के माध्यम से ये नंबर या फिर ये रेस्पॉन्स इंक्रीज हुआ है और उसके बाद ये मिसिंग नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए अगर हम 110 के साथ 22 ऐड करेंगे तो 132 आएगा, जो नंबर सीरीज का दूसरा नंबर है। ठीक है, अगर हम 132 के साथ 24 ऐड करेंगे तो नंबर सीरीज का तीसरा नंबर 156 मिल जाएगा। तो ये जो दो ठो रेस्पॉन्स है वो जो इंक्रीज हुआ है वो 22 उसके बाद 24 यानी कि 22 के बाद 2 के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। तो 156 के साथ हम 26 अगर ऐड करेंगे तो ये मिसिंग नंबर हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा जो है 182। और ये 182 सही है या फिर गलत उसे आइडेंटिफाई करने के लिए 28 ऐड करेंगे जो हमें ये नंबर को फाइंड कर देगा जो है 210। कहने का मतलब है ये जो नंबर सीरीज है या फिर नंबर सीरीज में जो ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था वहां पे पहले 22 इंक्रीज हुआ था, उसके बाद 22 + 2 = 24, 24 + 2 = 26, 26 + 2 = 28 इसी तरह से नंबर सीरीज इंक्रीज हुआ था। तो नंबर सीरीज में जो ट्रिक्स था वो है इन द गिवन रेस्पॉन्स डिफरेंस इज इंक्रीज बाय 22, 24, 26 और 28। यानी कि ये जो रेस्पॉन्स दिया गया था वहां पे जो डिफरेंस था दोनों नंबर में वो इंक्रीज हुआ था। कैसे, पहले 22 इंक्रीज हुआ, उसके बाद 24 इंक्रीज हुआ, उसके बाद 26 इंक्रीज हुआ और उसके बाद 28 इंक्रीज हुआ था। तो इस रेस्पॉन्स में जो ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था वो है 22 के बाद +2 का ऐड होना और ये ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ था। और जो मिसिंग नंबर है वो 156 के साथ 26 ऐड करने के बाद आइडेंटिफाई हुआ था जो है 182। नंबर सीरीज में जो अल्टरनेटिव दिया गया था वो एडिशन प्रोसेस के माध्यम से इंक्रीज हुआ था और इस नंबर सीरीज में जो ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था वो है एडिशन मेथड। यानी कि नंबर के साथ या फिर जो अल्टरनेटिव दिया गया था उसके साथ एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो नंबर सीरीज का नेक्स्ट नंबर होगा और इसी तरह से मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू एंड अप दिस कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल एपिसोड ऑन नंबर सीरीज। फॉर मोर वीडियो रिलेटेड विथ नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
you can click on icards and also watch these videos. For knowledgeable videos related with absolute fact and important information, you can click the link in the description. Till then, subscribe, like and share Ashutosh Architecture, and don't forget to click the all option of the bell icon for latest notification. Thank you.